ये हमारा भारत है और भारत के इस कोने में रहने वाले, यहाँ रहने वाले, यहाँ रहने वाले, चाहे यहाँ रहने वाले, चाहे जहाँ रहने वाले, सभी बच्चे एनटीएससी क्रैक कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनटीएससी से रिलेटेड सारी जानकारियां बहुत डिटेल्ड वे में और बहुत आसान भाषा में जानने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो गांव में रहते हैं, वो किसी एक ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं जहां पे उनका माहौल बहुत अच्छा हो, जहां पे प्रिपरेशन करवाई जाती हो, जहां पे कंपटीशन का माहौल दिया जाता हो। तो क्या वो गांव के वो बच्चे एनटीएससी क्रैक कर सकते हैं? क्या वो एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि यस यू कैन। आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप आज घर बैठे अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। मैं ये एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि गांव के बच्चे काफी मेहनती होते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत की काफी जरूरत होती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जहां पे आपको स्कूलिंग बहुत बढ़िया नहीं, आप किसी बहुत अच्छे नामी गामी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, बट एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे चीजें पढ़ाई जाती है, सब कुछ कराया जाता है, बट वहां पे आपको ये सारी चीजें नहीं बताई जाती थी। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि एनटीएससी नाम का कोई एग्जाम भी होता है, इसलिए हम लोग उसको दे नहीं पाए। बट आज मैं ये चीज समझता हूं कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्यों कंपटीशन में बच्चे कम बैठेंगे? भाई हर बच्चा बैठेगा। वो बच्चा जो गांव का है, जो पढ़ता है, जो मेहनती है, जिसे सब कुछ आता है, उसे तो पता ही नहीं है कि एनटीएससी एग्जाम देना है। वो सिर्फ बोर्ड देता है और बोर्ड में अच्छे स्कोर करता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब कंपटीशन बढ़ेगा, अब हर बच्चा एनटीएससी देगा। क्यों? हो सकता है वो क्रैक ना कर पाए, लेकिन वो अपने आप को तैयार करेगा, वो पढ़ेगा, वो शुरू से मेहनत करना शुरू करेगा। क्योंकि कल को आईआईटी में जाओगे, नीट में जाओगे, जब एक साथ कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करोगे, फिर लगेगा अरे बाप रे, ऐसे कंपटीशन की तैयारी की जाती है, इतना पढ़ा जाता है, ऐसे हॉस्टल में रहा जाता है, इतने इतने घंटे कोचिंग की जाती है, रात दिन पढ़ा जाता है, किताबें पढ़ी जाती है। ये सारी चीजें अगर तुम अभी से अपने अंदर बिल्डअप करोगे, जो आपके मन का गोल है, जो भी आपके लाइफ का गोल है, सब कुछ अचीव कर सकते हो। सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दो। चार लोग आएंगे, कहेंगे अरे भाई अभी क्यों पढ़ रहा है, अभी क्या जरूरत है, अभी बहुत समय है, कंपटीशन बढ़ रहा है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है, तुम रील्स देखते रह जाओगे और कल को कोई तुम्हारा दोस्त आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, कल को कोई आईआईटी क्रैक करेगा, बड़ी बड़ी प्लेसमेंट उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करना शुरू कर चुका है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है, तो तुम क्यों पीछे रहोगे? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को यह आगाह करना चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रिपरेशन करिए। कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में बनाई है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करिए। जो बच्चे एनटीएससी एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसका फॉर्म कैसे आता है, कौन से क्लास वाले बच्चे इसको देते हैं, सारी चीजें आपको एनटीएससी क्या है नाम की एक वीडियो है मेरी, उसमें मिल जाएगी। सिलेबस मैंने बताया है कि सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, प्लस कौन कौन सी आपको किताबें ले लेनी चाहिए ताकि आप घर बैठे तैयारी कर सके, प्लस पूरे एक साल जो बच्चे इस साल क्लास 10th में आए हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, किस तरह से वो प्रिपरेशन करें घर बैठे, ये सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी, उसको एक बार जरूर चेक करिए। हाँ, अब एक और चीज मैंने प्रयास किया है कि जो बच्चे मेरे साथ अब रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं नंबर देता था पिछले कई सारे वीडियो में, बच्चे मैसेज करते थे और मेरे से पूछते थे, मैं उनको बताता था। अब मैं चाहता हूं जो एनटीएससी के एकदम सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो चाहते हैं मेरे से गाइडेंस लेना, मेरे साथ टच में रहना, वो प्लीज रैंकर्स एनटीएससी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम आपके फोन में होगा, नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लीजिए, एक बहुत अच्छा मीडियम है जहां पे आपको बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी किताबें, सारी चीजें, बहुत चीजें अवेलेबल बहुत ईजिली हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ रैंकर्स एनटीएससी नाम का एक चैनल है, सिर्फ जो एनटीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं भैया के टच में रहे, भैया कोई भी चीज आती है, भैया कोई चीज फॉर्म आएगा, भैया तुम्हें कोई चीज बताना होगा, कोई चीज समझाना होगा, ये सारी चीजें मैं यहां पे तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, जो बच्चे क्लास 8th में है, जो बच्चे क्लास 9th में है और जो बच्चे क्लास 10th में है, प्लीज अभी ज्वाइन कर लो इसको।
मैं हमेशा तुम्हें गाइड करता रहूंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें फाउंडेशन प्री फाउंडेशन करनी चाहिए, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, तुम्हें नीट के लिए प्री फाउंडेशन करनी, सारी चीजें मैं तुमको यहां पे बताता रहूंगा। तो इसमें सिर्फ मुझे सीरियस एस्पिरेंट चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, जो चाहते हैं, जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस है। तो जो बात मैंने बताई कि गांव का कोई भी बच्चा हो, एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता हूं जहां पे एनटीएससी का फॉर्म वगैरह नहीं भरवाया जाता है, तो क्या मैं इंडिविजुअल फॉर्म भर सकता हूं। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बच्चे गांव के हैं जिन्हें लगता है कि स्कूल उनके उनको सपोर्ट नहीं करेगा एनटीएससी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो होते हैं स्कूल में फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, स्कूल से फॉर्म भराता है, स्कूल वाले भेज देते हैं, सारी चीजें हो जाती है, बट यू कैन इंडिविजुअली फिल फॉर्म। ठीक है, जब भी फॉर्म आएगा सितंबर अक्टूबर में आएगा मैं बता दूंगा, तब आप इंडिविजुअली फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि वेट करोगे सितंबर का, जब फॉर्म आएगा तब प्रिपरेशन शुरू करोगे, नहीं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो प्रयास मेहनत करना शुरू कर दो मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी जल्दी कोई चीज हासिल नहीं होती है, कोई भी बड़ा कंपटीशन इतने जल्दी नहीं हासिल किया जा सकता है, तो उसके लिए प्रयास किया जाता है, मेहनत किया जाता है और अभी से किया जाता है। तो प्लीज इसको ज्वाइन करो। जिन बच्चों को डाउट है कि क्या है एनटीएससी, सारे लोग इसको चेक करो। और मैं ये भारत का नक्शा कैसा बनाया हूं उसको कमेंट करके बताओ, शायद मैं अच्छा बनाया हूं। भारत ऐसा ही दिखता है, हमारा संपूर्ण भारत है, पूरा भारत हमारा है, कहीं भी भारत का। और इस भारत के नक्शे से मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे वो बच्चा हो यहां एमपी में रह रहा हो, चाहे वो बच्चा हो यूपी में रह रहा हो, चाहे वो बच्चा बिहार में रह रहा हो, चाहे वो बच्चा असम में रह रहा हो, नागालैंड में रह रहा हो, मिजोरम में रह रहा हो, जम्मू कश्मीर में रह रहा हो, यहां केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, गुजरात, राजस्थान, कहीं भी रह रहा हो, हर बच्चा एनटीएससी देगा, हर बच्चा क्रैक कर सकता है, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। सिलेबस आपका वही क्लास 9 10th का है, आपकी बेसिक है, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ मेहनत करना है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है मेरे से टच में रहो, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और इसी चैनल पर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपके एनटीएससी के प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो मेरे साथ लगातार बने रहना, मैं बैकएंड में तुम्हारे लिए बहुत काम कर रहा हूं कि किस तरह से तुम्हें मटेरियल वगैरह अवेलेबल कराऊं, तुम घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सको। कोविड बढ़ रहा है, ऑनलाइन चीजें होंगी, अपने आप को प्रिपेयर करो और इस एग्जाम के लिए तैयार करो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, कोई भी दिक्कत आए मेरे से टच में रहो, कॉन्टेक्ट करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर एनटीएससी के एस्पिरेंट हो। थैंक यू सो मच।